उज्जैन जिला प्रशासन और जिला पंचायत के संयुक्त प्रयासों से उज्जैन के 29 गांव के सरपंच, सचिव और जनप्रतिनिधियों को कोरोना के 100% वैक्सीनेशन कराने पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व मंत्री पारस जैन, करण कुमार या कलेक्टर आशीष सिंह, जिला पंचायत सीईओ अंकित अस्थाना, कार्यक्रम संयोजक कीर्ति की मौजूदगी में 29 गांव के सरपंच सचिवों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। उन लोगों ने उन ग्राम पंचायतों का सम्मान समारोह रखा है जिन लोगों ने कोविड टीकाकरण में 45+ में 100% अपनी ग्राम पंचायत को सैचुरेट करा है। उस क्रम में आज 29 ग्राम पंचायतों को इन्वाइट किया गया, उनके प्रधान, सचिव और GRS। इन 29 में से 2 पंचायतें ऐसी भी हैं जिन लोगों ने 18+ के ऊपर 100% अपना टारगेट अचीव किया। कोरोना की दूसरी लहर के बाद उज्जैन जिला कलेक्टर ने जिला पंचायत के सीईओ अंकित अस्थाना को जिम्मेदारी दी थी कि वह गांव के अंदर अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन लगाने के लिए प्रेरित करें। इसको लेकर उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह और जिला पंचायत सीईओ अंकित अस्थाना ने सरपंच सचिवों एवं आशा कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर एक बैठक में बात कही थी कि अगर वह अपने अपने गाँव के अंदर 100% विश्लेषण का काम करते हैं तो उन्हें मनरेगा के तहत गाँव के लिए राशि स्वीकृत की जाएगी जिसे वह अपने गांव के विकास में लगा सकते हैं। इसी के चलते उज्जैन गांव के सरपंच और सचिव ने मिलकर गांव में 100% वैक्सीनेशन बनाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते समय सीमा के अंदर 29 पंचायतों ने अपने गांव में 45+ के ऊपर के लोगों का 100% वैक्सीनेशन करवा दिया। इसी के तहत सरपंच और सचिवों एवं कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए उज्जैन जिला कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ अंकित अस्थाना के नेतृत्व में शनिवार को मेला कार्यालय में सरपंच सचिवों का सम्मान किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा सर्वप्रथम एक बैठक ली गई हमारी समिति की, गांव के जो समिति गठित की गई थी उसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच महोदय, सरपंच प्रतिनिधि, सचिव, सहायक सचिव, टीचर्स सबको एकत्रित करके एक हमने समिति गठित करी। उसमें डोर टू डोर घर घर जाकर लोगों को प्रेरित किया गया कि वैक्सीनेशन लगाना अच्छी बात है। जो लोगों में भ्रांतियाँ था वो हमने घर घर जाकर दूर करी और समझाइश देने पर लोगों ने हमारी समझाइश भी मान ली गई और इसके तहत सभी लोगों ने 485 लोगों ने वैक्सीनेशन लगाकर ग्राम पंचायत को गौरवान्वित प्रदान किया है। आपके सरपंच की क्या भूमिका है? सरपंच महोदय की हमारी यह भूमिका कि सरपंच महोदय हमारे बिल्कुल डोर टू डोर स्कॉर्पियो गाड़ी लेके घर घर जाकर वैक्सीनेशन का कार्य करवाया गया और लोगों को प्रेरित किया गया। 21 तारीख को जो महाअभियान है उसमें जो बचे हुए लोग हैं, 21 तारीख के जिन जो महाअभियान रखा गया है उसमें हमने पूरी प्लानिंग कर ली है और 21 तारीख को आने वाली सुबह उसमें लोगों को प्रोत्साहित कर दिया गया, हमारे द्वारा सूचना दिया चुकी है और आज शाम को वापस जा रहे हैं हम घर घर जाके उनको प्रेरित करेंगे। 21 तारीख को संपूर्ण ग्राम पंचायत के 18+ व्यक्तियों को टीका वैक्सीनेशन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्या नाम है आपका? रामेश्वर चौहान, सचिव ग्राम पंचायत ढेंडिया। ने कलेक्टर साहब की मीटिंग थी, SDM साहब, कलेक्टर साहब ने मीटिंग ली थी और हमने बोला था कि गांव में सबको समिति बनाना, 45 वर्ष से ऊपर वालों को सबको टीका लगाना है। फिर हमने गांव में समिति बनाई, सबको आंगनवाड़ी का और आशा कार्यकर्ता, मंत्री साहब, सचिव साहब, सबने मिल के हमने गांव में टीका लगाया। आज इनाम मिला, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। वहीं प्रदेश के शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने चर्चा में कहा कि लोगों को कोरोना वायरस की लहर से यह बात समझ में आ गई है कि इसका बचाव सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक वैक्सीन लगवाएं। आने वाला 21 जून का जो मुख्यमंत्री का आग्रह है, जिले जिले का 10 लाख टीका पूरे प्रदेश में लगना है, 75,000 का टारगेट हम सबको मिला है। हम उम्मीद करता हूँ जो 29 पंचायतों ने जिस ढंग से काम किया है हमारा टारगेट हम पूरा करेंगे, मेरी अपनी ओर से बधाई। देखो हमारी 29 पंचायतों के सरपंचों को उनको सम्मानित किया गया था और बच्चे हुए काफ़ी लोगों का जिस ढंग से मोटिवेशन हुआ है। इधर सम्मानित हुए गांव के सरपंच सचिवों ने भी अपनी अपनी बात को रखकर कहा कि उन्होंने बहुत मेहनत की तब जाकर उन्हें सफलता हाथ लगी है। आज मंत्री जी के हाथों से सम्मानित होकर बहुत खुशी हो रही है। आने वाली 21 तारीख को हुए कोरोना वैक्सीन वाले महाअभियान में भाग लेंगे एवं गांव के बचे हुए लोगों को भी वैक्सीन लगवाएंगे। क्योंकि इन गाँवों के लोगों ने वैक्सीनेशन के बारे में जागरूकता जो शासन फैला रहा है उसको न केवल हाथों हाथ लिया बल्कि आगे बढ़कर दिखाया भी कि ये चीज़ 100% संभव भी है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती उनके प्रति कुछ करने की। तो हमने सभी पंचायतों में एक एक सामुदायिक कार्य, चाहे वो स्टॉप डैम हो,
चाहे वो खेत सड़क हो चाहे कुआं हो, जो भी उन्होंने मांग करी है आज हमने उनको उपलब्ध कराया है, उसका स्वीकृति पत्र उनको दिया है। जो 18 प्लस भी जिन्होंने कंप्लीट कर लिया उनको दो दो सामुदायिक कार्य गाँव को स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही इन सभी से ये भी मैंने अपील करी है कि आगामी 21 तारीख को जो महावैक्सीनेशन हमारा अभियान है जिसमें 75,000 वैक्सीन हम लोग एक दिन में पूरे ज़िले भर में लगाने वाले हैं, उस दिन ये सभी पंचायतें 18 प्लस वाला भी शत प्रतिशत करके 100% वैक्सीनेटेड ग्राम पंचायतें बन जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके की जागरूकता और जिस तरीके की सक्रियता यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और ग्रामवासियों ने दिखाई है, हम लोग निश्चित रूप से वैक्सीनेशन में बहुत आगे रहेंगे और ये सारी पंचायतें 100%।